जो गांधी फिल्म बनी थी आपने देखी होगी रिचर्ड एटनबरो की गांधी, आपको लगता है कि उन्होंने वो इस तरीके से बनाई थी कि हमारे यूथ को कुछ परकुलेट हो वहाँ तक कि गांधी जी ने क्या सिखाया था, क्या बताया था? वरना इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखो सच्चाई, जब हम छोटे थे स्कूलों में पढ़ते थे तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र पढ़ाया जाता था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इससे बच्चों में एक जागृति आती है, अपने देश के बारे में पता होता है कि इतिहास देश का कैसे बना, हाउ डिड वी फाइट द फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई कैसे हमने लड़ी। आज वो आस्ते आस्ते चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब मैं खुद ही बता रहा था आपको, सरदार पटेल की उन्होंने मूवी देखी, मुझे ज्ञान मिला कि कांग्रेस में पहले भी कैसे वार्तालाप होते थे, कुछ चीज़ें अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि ये रूप से नहीं होनी चाहिए, इसका ये तरीका करने का। तो बच्चों को अगर देश के इतिहास के बारे में बताया जाए, पीछे जो हमारे लीडर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके बारे में बताया जाए, शहीद भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की थी जी। अगर आज की जनरेशन को ये भी पता नहीं हो वरना कि शहीद भगत सिंह कौन थे, तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट। वही हम लोग गवर्नमेंट में कोशिश करते रहे कि हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस में है, दिस शुड बी पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आपको लगता है फिल्म्स इन्फ्लुएंस करती है इस रियल में, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया सरदार पटेल की मूवी आपने देखी है, इसलिए फिल्म्स में भी हम लोग बहुत सारी ऐसी, इसमें हमारी कल्चर तो मेंटेन रहे। हाँ जी, देखो आस्ते आस्ते कल्चर थोड़ी डिटोरेट हो रही है जी, हमारी अपनी कल्चर है, हम दूसरों की कल्चर की कॉपी नहीं कर सकते। पर वो हो रहा है आजकल, आर यू अगेंस्ट दैट, जो फिल्म्स में ऑब्सेनिटी दिखाई जाती है? आई एम टोटली अगेंस्ट इट, टेल यू वेरी ऑनेस्टली। ये अमेरिका में चल सकता है, इंग्लैंड में चल, हमारी कल्चर में नहीं चल सकता। आज बहुत सी ऐसी पिक्चर जहाँ हम बाप और बेटी दोनों बैठ के नहीं देख सकते, लेट इट बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो यू कैन नॉट शिफ्ट योर कल्चर सो मच एट रैंडम। सो आई वॉज अगेंस्ट इट इन माई गवर्नमेंट, आई एम स्टिल हैव बीन रजिस्टरिंग इट इन प्रेजेंट गवर्नमेंट, व्हिच एवर वे आई meet the concerned minister, because yes, I am not saying that you totally close your door and don't look outside, yeah, but you certainly adopt certain things, maintain your original values, because India is proud of values, yeah, हमारी अपनी पुरानी संस्कृति है जिसका हमें आज भी फक्र है। अगर वही कमजोर हो जाएंगे तो what we'll do in this world in future, we don't have to copy the world for thing which we do not appreciate or which do not go our culture.